दोस्तों नमस्ते प्रणाम। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों एक और कहानी हम आपको सुनाते हैं जिसका शीर्षक है ईश्वर के लिए संगीत। तानसेन अकबर के दरबार में नवरत्नों में से एक थे। वे अपने समय के मशहूर संगीतकार थे। ऐसा कहा जाता है कि जब तानसेन मेघ मल्हार गाते थे तो बारिश होने लगती थी। इसी तरह जब उन्होंने दीपक राग गाया तो धरती के दीपक अपने आप ही जल उठे। एक दिन अकबर ने तानसेन से कहा, मैं तो उस संगीतकार का संगीत सुनना चाहता हूँ जिसने तुम्हें संगीत सिखाया है। इस पर तानसेन ने कहा, महाराज मेरे गुरु तो स्वामी हरिदास हैं। वे तो आपके दरबार में नहीं आएंगे क्योंकि मेरे तरह वे आपकी नौकरी में नहीं हैं। वह जंगल में एक झोपड़ी में रहते हैं। जब उन्हें अच्छा महसूस होता है तो वह गाते हैं और जब अच्छा महसूस नहीं होता तो वे नहीं गाते। बादशाह अकबर ने कहा कि अगर वे यहाँ नहीं आ सकते तो हम उनकी झलक देखना चाहेंगे। जब वे हरिदास की झोपड़ी में पहुंचे तो देखा कि वह झोपड़ी के बाहर चुपचाप बैठे हैं और उनका वाद्य यंत्र पास में रखा है। बादशाह अकबर ने कहा, तानसेन क्या अब आने के बाद भी हम हरिदास जी का संगीत सुने बिना ही लौटना पड़ेगा? तानसेन ने कहा, मैं कोशिश करूंगा, थोड़ी प्रतीक्षा कीजिए। तानसेन ने गाना शुरू किया। थोड़ी ही देर बाद जानबूझकर तानसेन ने जरा सी गलती कर दी। इस पर उनके गुरु हरिदास ने तत्काल टोका और कहा कि तानसेन इस तरह मत गाओ। और इतना कहकर स्वामी हरिदास ने खुद ही गाना शुरू कर दिए। उनके गायन में तो गजब का जादू था। बादशाह अकबर तो हरिदास के संगीत में पूरी तरह खो गए थे। उनकी एकाग्रता तभी टूटी जब हरिदास ने गाना बंद कर दिया। इसके बाद अकबर महल के लिए रवाना हो गए। लेकिन हरिदास का संगीत उनके कानों में गूंज रहा था। रात को अकबर ने तानसेन से कहा, तुम वाकई बहुत सुंदर गाते हो। तुम वास्तव में भारत के सबसे महान गायक हो। लेकिन फिर भी तुम्हारा संगीत उस ऊंचाई को हासिल नहीं कर पाता जो कि हरिदास का संगीत कर पाता है। तानसेन ने हाथ जोड़कर कहा, महाराज गुरु हरिदास जी और मेरे बीच एक बहुत बड़ा सा फर्क है कि मैं अपने राजा के लिए गाता हूँ जबकि गुरु हरिदास जी तो केवल ईश्वर के लिए गाते हैं। वे दरबार के एक संगीतकार से तो बहुत बड़े और आगे हैं। तानसेन का जवाब सुनकर बादशाह अकबर मौन थे। वे अपने आप से कह रहे थे, जो ईश्वर के लिए गाता है उसकी आवाज में दैवी मधुरता तो अपने आप ही आ जाती है। दोस्तों इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हमारे जीवन में सफल होने के लिए आजादी अहम बात होती है। अगर कहानी अच्छी लगी हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक तथा शेयर करें। कहानी को सुनने एवं देखने के लिए आप सबका तहे दिल से शुक्रिया। धन्यवाद।